सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब्दुल हमीद ने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की। अब हम उसे बताएंगे कि रुथचाइल्ड कौन है और उसे तबाह करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। हम हार नहीं मानेंगे आरिफ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। हम आपसे दस्तावेजात नहीं लेंगे। अहमद पाशा से कहिए कार्रवाई शुरू करें। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। मैं लाया हूं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये गायब होने वाली स्याही से लिखी गई थी, असल अब भी हमारे पास ही है। हमने ये मंसूबा यहां मौजूद आपके मोहरों को तलाश करने के लिए बनाया था। मैं आपको रियासत से गद्दारी और धोखा दही करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। बाबा, अगर आप जीतना चाहते हैं तो जाइए और साबिका नाइबीन को तलाश करके लाइए, वरना आपका मुकद्दर सिर्फ शिकस्त है। तुम जो चाहते हो वो ले लो और बच्चे को छोड़ दो। मैं हैकले सुलेमानी का नक्शा हासिल करना चाहता हूं। चाबियां दे दीजिए इसे। इस्माइल हकी साहब, क्या वजह है कि नक्शे को हासिल करने के लिए इतना बेताब है वो? कुछ यहूदी फिर से हैकले सुलेमानी को तामीर करना चाहते हैं। सन 70 ईस्वी के दीवारे गिरिया के साथ साथ हैकले सुलेमानी मुकम्मल तौर पर मुनादिम हो गया था। उसके बाद वो हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर करने, उसमें अपनी खूनी रसूमात को अदा करने, खुदा के सामने जानवरों की कुर्बानी देने और दुनिया भर में अपनी हुकूमत का ऐलान करने के लिए बेताब है खलील खालिद साहब। नक्शे से हैकले सुलेमानी जाहिर होता है? बिल्कुल। और क्या हैकले सुलेमानी मस्जिद अक्सा के अतराफ में है? जी बिल्कुल, इसीलिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। अगर उन्होंने नक्शा हासिल कर लिया तो वो कयामत तक किबला अव्वल को शहीद करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करें खलील खालिद साहब? इस्माइल हकी साहब, नक्शा देंगे हम, लेकिन बस एक खास वक्त तक। जो तुम चाहते हो वो ले लो और बच्चे को छोड़ दो। मैं देख रहा हूं कि इस बच्चे की जिंदगी काफी कीमती है,
जब तक बच्चा मेरे साथ है तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोड़ दो बच्चे को, नक्शा लो और जाओ। हम बच्चे के साथ बाहर जा रहे हैं, बाहर निकल के छोड़ देंगे। बाहर कितने लोग हैं? बहुत है, लेकिन क्या फायदा, हमको यार हरकत नहीं कर सकते। जब तक ये शख्स पाए तक से निकल नहीं जाएगा, ये मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। इस आदमी को नक्शे के साथ पाया तक से नहीं जाने दूंगा। तुम सब होशियार रहना। ये बच्चा हमारे साथ ही रहेगा, काम खत्म होने के बाद में से जाने दूंगा। हम दोनों का दुश्मन मुश्तरका है, उसे कत्ल करने तक मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा ये, यही वजह है कि हमारे दरमियान ज्यादा देर अमन कायम नहीं रहेगा। हम जा रहे हैं। यही रुकिए शिवनास। नायमे, आप हमारी दोस्त थी, आप पर एतमाद था हमें। हम हमेशा अपने दोस्तों से धोखा खाते रहे हैं, और अब आप शिवनास खातून, आप उस तकलीफ के बारे में सोच भी नहीं सकती जो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। शर्म करें कुछ। हम बहुत से पहलुओं में मुशावत रखते हैं। तुम मेरी तरह बहादुर हो क्योंकि तुम जिस पर यकीन रखती हो उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे बाबा को अपने लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाने से रोकने के लिए मैं यहाँ पर आई अपनी जान को खतरे में डालकर, लेकिन नाइंसाफी पर अख्तिताम हुआ। हमारे बाबा जालिम नहीं है। तो फौज की गर्दन पर गोली क्यों मारी उन्होंने? क्या कर रही हूँ मैं जिंदान में? क्योंकि तुमने गद्दारी की। तुम्हारे लिए गद्दार, लेकिन दूसरों के लिए जांबाज। लेकिन मैं गद्दार के तौर पर नहीं बल्कि जाबाज के तौर पर मरना पसंद करूंगी। अब्दुल हमीद के जिंदान में मरने से बेहतर है कि अपनी जान ले लूं एक जाबाज के तौर पर। शिवनास, क्या कर रही हो? अलविदा नायमे, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाती हूं कि हमारी दोस्ती सच्ची थी। शिवनास रुको। शिवनास नहीं, नहीं रुक जाओ। छोड़ दो शहजादी, शहजादी कोई मदद करो। छोड़ दो हमें। छोड़ो इन्हें, ये खतरनाक जहर है नायमे, ऐसा जहर जो तुम्हें 24 घंटों में खत्म कर देगा। और इस जहर का तरियाक सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूं। तुम बहुत बुरी निकली, शैतान से भी ज्यादा। मेरी तौहीन करने के बजाय अपने बाबा से कहो जाकर कि मुझे आजाद कर दें। मैं इस महल से जाना चाहती हूं, वरना फिर इसके बरक्स अपनी बेटी की मौत के परवाने पर दस्तखत करने वाले वो खुद होंगे।
उसने हमारी बेटी को पकड़ लिया। हमारी जिंदगी, बिल्कुल अब हमारी जिंदगी उसके हाथों में है। जनाब, बरतानवी वजीरे खारजा आए हैं, इंतजार कर रहे हैं। आने दो। जनाब रुथ चाइल्ड, आपका ऐसे शहर में आना जिस पे जल्द बमबारी होगी हैरान कुन है। आपके सफीर भी जा चुके हैं यहाँ से। बस यूं समझे हमारी दोस्ती मुझे यहाँ ले आई है। बैठिए। बरतानवी इकदामात को फिलफौर रोकना होगा, इस वजह से हमने आपको बुलाया है। देखें, बरतानवी अब इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। क्या ये सच है कि अब्दुल हमीद ने साबिका नाइबीन को कत्ल किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नाइबीन जिंदा है। जब तक आप इसे साबित नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदल सकेगा जनाब। ये फैसला दारुल उमरा में हुआ है। उनका एक ग्रोह सल्तनत उस्मानिया पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा था, जबकि दूसरा मुखालिफ ग्रोह इस हक में नहीं था कि सल्तनत उस्मानिया को अस्करी नुकसान पहुंचे। नाइबीन की मौत ने मुखालिफिन को रजामंद कर लिया है। ऐसा ही है, लेकिन एक रास्ता है इसे रोकने का जनाब। क्या है वो? बरतानवी जहाज इस वक्त एडमिरल की कमान में है। वो जज्बाती है, अगर आप उसे कायल कर लें तो वो जहाजों को वापस ले जा सकता है। वो कोई तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर माजरत कर सकता है। जनाब, तमाम आदाब को नक्शे पे निशान लगाकर वाजे कर दिया है। यल्दीज महल, बाबे अली, ताश किशला और डाकखाना। और तुपकापी महल? आदाब में शामिल नहीं है वो हमारे। हम सबसे पहले वहीं हमला करेंगे। ये वो महल है जिसे इस्तांबुल फतह करने के बाद फातिहीन ने सबसे पहले तामीर किया। यही वो महल है जिसमे उस्मानियों ने बरसों बैठ कर हुक्मरानी की। हम पीरी बंदरगाह के करीब हैं जनाब। तो फिर राब्ते के लिए फाल बनाया जाए टेलीग्राफ लाइनों को। जो आपका हुकुम। बरतानवी बहरी जहाज कहाँ पर है? पीरी की बंदरगाह के करीब होंगे, चाहे तो उनसे राब्ता कर सकते हैं आप। सैम, एक टेलीग्राम एडमिरल को भेजो। उन्हें बताओ कि हम जहाज पर सवार तमाम अमले को खरीदना चाहते हैं, मामूली अफसर से लेकर जहाज के कप्तान तक सबको। वो सिर्फ कीमत बताएं, हम अदा करेंगे। इसके बदले में वो जहाज वापस ले जाएं। सुल्तान मुअज्जम, बरतानवी बहरी जहाज पीरी बंदरगाह के करीब है। उनके पास 3 जंगी जहाज और 8 लड़ाका जहाज हैं। नाम क्या है एडमिरल का? एडमिरल मील ने। जहाज पर कुल कितने फौजी सवार हैं? हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1500 फौजी होंगे। इसके अलावा मालूमात के मुताबिक माल्टा से 12 जंगी जहाज और भी आ रहे हैं। एक और बहरी जहाज सिसिली से रवाना हुआ है, वो भी उनके साथ शामिल होगा। हमें लगता है कि वो बमबारी तक महदूद नहीं रहेंगे। उनका इरादा कब्जा करने का है। वकील की तरफ से कोई खबर मिली? नहीं सुल्तान मासूम। महमूद पाशा, आप इस एडमिरल के बारे में मुकम्मल तहकीकात कीजिए और मुत्तला कीजिए हमें। जो आपका हुक्म सुल्तान माजम। इस्माइल हकी साहब के मामले की क्या सूरत हाल है? खलील खालिद साहब देख रहे हैं इस मामले को, इंशाल्लाह वो सब संभाल लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस्मान, तुम जल्दी से महल इत्तला कराओ। इस सूरत हाल की संगीनी का बताते हुए कहो पाया तक के तमाम रास्ते बंद कर दें। ठीक है चाचा। ततार, वजीरों की तस्वीर तमाम फौजियों को दे दो। ठीक है जनाब। चाचा, वो लोग नक्शे का क्या करेंगे?
वो है कले सुलेमानी की तश्कीलें नौ करना चाहते हैं। उन्हें करने दें, इसमें क्या हर्ज है? हैकल सुलेमानी मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द कहीं है। अगर नक्शे की मदद से वो ये जान लें तो वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे, क़िबला अव्वल को शहीद करेंगे। जनाब, काश हम मर जाते लेकिन वो नक्शा ना देते। हम मर सकते थे तदार, मस्जिद अक्सा से ज्यादा अहम नहीं है हम, लेकिन बेगुनाह लोग भी हलाक हो सकते थे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चौरस, घर पर हमला हुआ, वो सांधर को ले गई, पर कुछ नहीं कर सकी। मैं जानता हूँ रुबीना, जानता हूँ, पर सुकून रहो। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं ठीक हूँ। सांधर को किसने अगवा किया और अब वो कहाँ है? विचिनो। विचिनो कौन? वेजिनो एक यहूदी है जिसने अपनी जिंदगी हैकल सुलेमानी की बहाली के लिए वक्फ कर दी है। वेजिनो को तमाम यहूदी तंजीमों की मुआवनत हासिल है। तुम उस शख्स को कैसे जानते हो गारो? वो सल्तनत उस्मानिया से जमीन चाहते हैं बिल्कुल हमारी तरह। हम मुश्तरका नजरियात की पैरवी कर रहे हैं। उसने हिंजक और तशनक दोनों गिरोहों की मुलाकात में अक्सर शमूलियत इख्तियार की है, और वो सब जानते हैं कि हमारी तंजीम के पास हर किसी के बारे में मालूमात होती है। तुम कह रहे हो तुम हर चीज जानते हो, तो फिर मुझ तक मालूमात लेकर आओ। अगर समदर को कुछ हुआ, मेरे बेटे को कुछ हुआ, तो तुम एक सांस भी नहीं ले सकोगे। ये कैसी है? बज़ाहिर कोई बुरे असरात नहीं हैं। हमने इनके जख्म की पट्टी कर दी है और खून का मुआयना करने भेज दिया है। नताइज आने के बाद हम इलाज कर सकेंगे। जल्दी नताइज हासिल कीजिए। क्या आपको तकलीफ महसूस हो रही है बेटी? नहीं पप्पी जान, हम बस थोड़े खौफ सता हैं। ये मामूली बात है बेटी, ये इस वजह से है क्योंकि आपने उस शैतान शिवनास का चेहरा पहली बार देखा है। हम बता नहीं सकते कि हम कितनी अजियत से गुजरे हैं। हम उसके असल चेहरे को क्यों नहीं देख सके, कैसे नहीं समझ सके? उसने हमारा फायदा उठाया और हमारा एतमाद हासिल किया। हम बहुत बार उसके दिफा में आपसे लड़े हैं वालिदा। प्यारी बेटी, खुद को इन सोचों में परेशान मत कीजिए। क्या उस शैतान ने हमें वाकई जहर दिया है? ये सब नताइज से मालूम हो जाएगा, आप परेशान मत हो। आप बस आराम कीजिए। जनाब, रुथ्स चाइल्ड की तरफ से टेलीग्राम आया है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स? जी हाँ, वही। क्या कहा उसने? वो तमाम अमले के साथ जहाजों को खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि जहाज बगैर किसी इकदाम के वापस चले जाएं। वो शख्स बिल्कुल ही अहमक है। उसे पैगाम भेजो कि बर्तानिया से ताल्लुक है इन जहाजों का और उसकी दौलत इनके सामने कोई माने नहीं रखती। टेलीग्राम कहाँ से आया है? कुस्तुनतुनिया से जनाब। वहां मौजूद हमारे जासूसों से कहो कि वो मालूम करें कि रुथ्सचाइल्ड कहाँ है, हम उस पर भी बमबारी करेंगे। सुल्तान मौसम, वकील का टेलीग्राम आया है। बिलाखिर, क्या कहता है वो? उसका कहना है कि मुलाकात की जगह पर आपके पाशा के आने से उसे बहुत अफसुर्दगी हुई है, लेकिन यह भी कहना है कि अगर आप खुफिया मालूमात चाहते हैं तो हम दोबारा मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बाज़िंतीनियों के पुराने जिंदान में मिलना होगा। हमारे ख्याल में वो अकेले मिलना चाहता है हमसे। ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये गैर महफूज है। इससे कतई नजर कि अहमद पाशा ने आपको उनके पैगाम के बारे में ना बताकर गलती की है, लेकिन उन्होंने सही इकदाम किया था। और कोई चारा नहीं पाशा, बज़ाहिर वकील के पास सौदेबाजी करने के लिए बहुत अहम खबर है। हम जाएंगे।
जनाब, एडमिरल ने पेशकश मुस्तरद कर दी। हम उस वक्त तक दुनिया में अमन कायम नहीं कर सकते जब तक के लोग दौलत को इसी तरह मुस्तरद करते रहेंगे। सैम, क्या करेंगे हम? एक ही रास्ता है अब कि हम अब्दुल हमीद को बता दें कि साबका नायबीन को वेम्बरी ने अगवा किया है और ये कि वेम्बरी एक गद्दार है। ठीक है, लेकिन वेम्बरी की धमकी का क्या होगा? कोई और चारा नहीं है। अगर अब्दुल हमीद को हम वेम्बरी की हकीकत बता दें तो वो खुद नायबीन को हासिल कर लेगा और इस तरह हम मुआहदे के मुताबिक काम करेंगे अपना, और इस इकदाम के जरिए हम शिवनाज को वापस भी ले सकते हैं। सैम, वो हमें साबका नायबीन के बदले दस्तावेजात और वेम्बरी के बदले शिवनाज वापस करेगा। खड़ी हो जाओ। नायमे के साथ क्या किया है? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हमारी बेटी के साथ क्या किया है, बताओ हमें। उसने बताया नहीं। मैंने बताया तो था उसे। मैंने नायमे को खतरनाक जहर दिया है और उस जहर की वजह से वो 24 घंटों के अंदर मर सकती है। इसका तरिया क्या है, जल्दी बताओ हमें। जरूर बताऊंगी, हाँ, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगी। तुम मुझे बाहर निकालोगी यहाँ से, वरना उस जहर का तरिया कभी भी नहीं बताऊंगी तुम्हें। तुम्हें यहाँ से निजात नहीं मिलेगी। तुम अपने तमाम गुनाहों की कीमत चुकाओगी। इंशाल्लाह सुल्तान मौसम तुम्हें फांसी देंगे। मैं अब्दुल हमीद की कैदी बनकर रहने के बजाय मरना पसंद करूंगी। हम जो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, अगर हमारी बेटी को कुछ भी हुआ तो हम खुद तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं यहां से हर सूरत बाहर निकल जाऊंगी बेदार सुल्तान, देख लेना, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम अपनी बेटी को मरता हुआ देख सकती हो। बहुत हुआ, तुमने हमारे बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हम पर हमला किया। तुमने हमें सबाहतीन लुत्फुल्ला और अब नायमे की जिंदगी के लिए धमका रही हो। तुम्हारी कमजोरी है वो, तुम किसी को भी तलाश कर ही नहीं सकती जिसके जरिए तुम धमकाने की कोशिश भी करो मुझे, क्योंकि तुम्हारे पास मोहब्बत की कमी है, क्योंकि तुम शैतान हो। तुम यहीं वापस आओगे और जो मैंने कहा वही करोगे। क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? सिपाही हर तरफ हैं, किसी को तलाश कर रहे हैं। चलो जनाब, रुक जाइए। क्या बात है, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? हमने नहीं देखा। आप जा सकते हैं, विजीनो को तलाश कर रहे हैं। क्या सब कुछ तैयार है? जहाज आ गया है? नहीं, बंदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। असल में कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, वो आपको हर जगह तलाश कर रहे हैं। जल्द इस जगह को भी तलाश कर लेंगे। तैयार हो जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं जनाब? वो हमें हर जगह तलाश कर रहे हैं, तो हमें जेर जमीन जाना होगा। मैंने एहतियाती तदाबीर कर ली है। अगर हम यहाँ से नहीं निकल सके तो भी नक्शा यहाँ से भेज देंगे। चाचा, सिपाही दाखिली और खारजी रास्तों पर नजर रखे हुए हैं। हमने विजिनो के तस्वीर सिपाहियों को दे दिए जनाब। भागने के लिए रास्ता तलाश करेंगे वो। उसके लिए शहर को छोड़ना नामुमकिन होगा जनाब। और वो जानता है कि यहां रुका तो पकड़ा जाएगा वो। वो कहां जा सकते हैं चाचा? जंगल में। पायतख के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। सिपाही हर जगह उसे तलाश कर रहे हैं। हमें और मालूमात की जरूरत होगी। मैं जानता हूँ वो कहाँ जाएगा। यहाँ आने से पहले उसने जंगल में एक जगह हासिल की थी।
अगर कोई हादसा होता है तो वो वहां जाएगा। शायद वो रास्ते में हो। तुम जानते हो वो कहां है? यहां। प्यारी बेटी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? आराम से लेट जाइए। आप क्यों चाहती हैं कि हम आराम करें? हम ठीक हैं। जहर से बचने के लिए अपनी ताकत को बचा कर रखिए नायमे बेटी। आज के दिन बस आराम कीजिए। क्या नतीजे हासिल हुए हैं? ये किस किस्म का जहर है? नहीं, अभी तक नतीजे हासिल नहीं हुए हैं, लेकिन हम एहतियात कर रहे हैं। क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? शिवनाथ ने कुछ कहा है क्या? जितना आप जानती हैं, हम भी उतना ही जानते हैं। उसने हमसे भी वही सब कुछ कहा। उसने जहर दिया है, लेकिन तबीब इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं। वो इसका तरियाक तलाश करेंगे और आपको देंगे। आप ठीक हो जाएंगी और वो आपको बचा लेंगे इंशाल्लाह। शायद वो झूठ बोल रही हो, हमें क्या मालूम। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि उसने हमसे झूठ बोला हो। शायद उसकी बात में कोई दम ना हो। कैसी तबीयत है हमारी प्यारी बेटी की? हमने आपको देख लिया, आप बिल्कुल ठीक हैं बाबा। हमने सुना है कि गद्दार के हाथों ने आपको छुआ है। ये हाथ कुछ वक्त पहले ही हम तक पहुंच चुके थे, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हुआ। अब हम समझ गए हैं बाबा, उसके साथ कारोबार में शराकतदार बनना भी गलती थी। आप अपनी गलतियों को पहचान गई हैं बेटी। इंशाल्लाह जल्द इससे निजात हासिल कर लेंगी। हम उन गद्दारों और दुश्मनों के हाथ तोड़ देंगे जो हमारे बच्चों और हरम को नुकसान पहुंचाने के लिए बरसरे पैकार रहते हैं। इंशाल्लाह सुल्तान मुअज्जम। हमें इनकी सेहत से मुतालिक बाखबर रखिएगा। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मौसम, शिवनाज अच्छी तरह जानती हैं कि आप नायमे से कितना प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने इस गंदे खेल को सरंजाम दिया। नायमे के बदले उसकी जिंदगी। अगर आप उसे आजाद कर देंगे तो ही वो तरियाक देगी। हम उसके खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे मलिका। अपनी बेटी के लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन इंसाफ की कुर्बानी नहीं दे सकते। ये बात आप जानती ही हैं। जानते हैं। शहजादे, जाइए। आप किस कदर मेहरबान हैं कि मुझसे मिलने यहां चले आए। तुम एक इंतहाई। मैं आपकी पुरानी शराकत दार हूं, भूल गए हैं आप? तुम इससे ज्यादा की मुस्तहिक हो, और तुम इस जिंदगी के मुस्तहिक नहीं जो जी रहे हो। तुम जिंदा रहने की भी मुस्तहिक नहीं हो। लेकिन हमारी बहन नाइमे जिंदा रहेंगी। अब बताओ हमें, उस जहर का तरिया क्या है आखिर? मैं बता चुकी हूं कि एक ही शर्त पर तरियाक मिलेगा, और वो शर्त बरकरार है। जाने दो मुझे यहां से। बरतानवी सफारत खाने जाना है मुझे। इसके बदले नायमे को दिए गए जहर का तरियाक दे दूंगी मैं। हमें कोई एक वजह बताओ कि हम कत्ल ना करें तुम्हें। तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश कर सकते हो और कुछ नहीं। इसके अलावा तुम्हारे बाबा तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे, और अगर मैं मर गई तो मरने से कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हारी बहन को, और ये तुम जानते हो। तुम नहीं जानती कि जब हमारा सबर इख्तिताम को पहुंचेगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारे पास सबर करने के लिए वक्त नहीं बचा है। तुम्हें मेरी पेशकश कबूल करनी ही होगी।
वरना खो दोगे उसे। आ जाए। शहजादी, कहिए। ये खत आपके लिए है। आरिफ साहब ने महल से जाने से पहले आपके लिए ये छोड़ा था। क्या वो महल से चले गए? हमें अकेला छोड़ दीजिए। शहजादी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको अलविदा किए बगैर जा रहा हूं। नाइमे सुल्तान, मेरी नाजुक अंदाम, मेरी जिंदगी, आपको और मेरे दिल को समझाना मुश्किल है कि मैं जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी आंखों से जितनी भी दूर क्यों ना हो जाएं, मेरा दिल आपसे जुड़ा रहेगा। मैंने बचपन में ही उन किस्से कहानियों पर एतबार करना छोड़ दिया था जिनका इख्तिताम अच्छा नहीं होता, लेकिन किस्मत देखिए, मैं खुद ही एक हसीन कहानी का हिस्सा बन गया। और सच यह है कि आपका साथ किसी कहानी से कहीं ज्यादा हसीन और राहत बख्श था। कौन जाने किसी दिन आप मेरे कलम से लिखी गई अपनी कहानी पढ़ें। सुल्तान मौसम, मेरी अब्बी गुजारिश है कि आप वहां अकेले ना जाएं। और कोई चारा नहीं है पाशा, इस मसले को हमें हल करना ही होगा। सुल्तान मौसम, मुझे भी साथ ले चलिए, हम फौजियों की मदद से वकील को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर उससे सब कुछ पूछ लेंगे। वो पहले ही बात करना चाहता है पाशा, इन इकदामात की जरूरत नहीं है। तो फिर आप मुझे उस मकाम के कुर्ब जवार तक आने दें ताकि जरूरत पड़ने पर मुदाखलत का मौका मिल सके। ठीक है पाशा, क्या रास्ता साफ है? रास्ते का जायजा ले लिया गया सुल्तान मौसम, ये कोई नहीं जानता कि आप बाहर जा रहे हैं महमूद पाशा के अलावा। क्या शिवनाज खातून से आपको कुछ मालूम हुआ? नहीं सुल्तान मौसम, लेकिन जैसा आपने सोचा था, उनके वालिद उस चाइल्ड से मिलने आए थे, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उनको बेटी से मिलने दिया। इंशाल्लाह वो अपनी बेटी से दस्तबरदार नहीं होंगे और उसे जिंदान में रहने नहीं देंगे। बाबा, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम सूरज की रोशनी से महरूम, मुरझाए हुए फूल की तरह दिख रही हो। ठीक हूं मैं, ज्यादा दिन यहां नहीं रुकूंगी। अब्दुल हमीद से तुम्हें आजाद करने के लिए बात करेंगे हम। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इससे बेहतर चाल चली है। उसकी बेटी नायमे को जहर दे दिया है मैंने, उनसे कहा है मुझे आजाद कर दे, फिर तरियाक दे दूंगी। तुम किसी भी सूरत हार नहीं मानती हो हमारी तरह। यहां से निकल जाऊंगी मैं, बरतानवी सिफारत खाने जाऊंगी और उसके बाद पाए तख्त से निकल जाऊंगी। सब पहले से सोच रखा है? मेरे पास यहां करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। मैं आपको बस अब्दुल हमीद के खिलाफ तनहा छोड़ जाने पर अफसरदा हो रही हूं। हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं हम? बरतानवी सिफारत खाने को खबर कर दे कि मैं आ रही हूं, मुझे पनाह दे और मेरे यहां से निकलने का बंदोबस्त करें। हम उन्हें बता देंगे, वो आपका शानदार इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। तहकीकात मुकम्मल हो गई पाशा? जी हां सुल्तान माजम। सुल्तान मौजम, एडमिरल मील ने एक कामयाब फौजी है, उम्र 60 साल है, उसका कोई खानदान नहीं, उसने अपनी जिंदगी समंदर में गुजारी है, पूरी दुनिया घूमा है वो, और बरतानिया की होने वाली हर जंग में गुज़िश्ता 40 वर्षों में एडमिरल मील ने हिस्सा लिया है। सुल्तान मौजम, उसका कोई घर नहीं, उसकी ज्यादातर जिंदगी जहाज पर गुजरी है। एक और बात सुल्तान मौजम, एडमिरल मिलने को दिए जाने वाले अहकामात को कहीं जाहिर नहीं किया गया, यानी अखबारात में, तारीख में ये कहीं नहीं लिखा जाएगा कि बरतानवी बहरिया चनक के लिए पहुंची थी। जब उन्हें शिकस्त हो जाएगी तो तारीख जरूर लिखेंगे इंशाल्लाह। बरतानवी बहरिया के
चनक किले तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा पाशा? सुल्तान मुअज्जम, तकरीबन 24 घंटे लगेंगे। उन्हें रोकने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। आप उस एडमिरल के बारे में मजीद मालूमात हासिल कीजिए पाशा। उसकी जरूर कोई कमजोरी होगी और वो कमजोरी हमारे काम आएगी। एडमिरल मील ने अफसानों में दिलचस्पी रखता है, बिलखुसूस समंदरी अफसानों में। इस तरह इंतजार करना बहुत अज़ियतनाक है। यकीनन उसने अब्दुल कादिर को तरियाक का नहीं बताया। वो इस कदर मनफी सोच की मालिक है। हम हमेशा अपने दुश्मन का भी एहतराम करते हैं, लेकिन ये औरत हमें हमारे बच्चों की जान लेने की धमकी दे रही है। पुरसुकून रहिए, अल्लाह के हुक्म से नायमे जल्द ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। क्या पता ये भी कोई शिवनाज की चाल ही हो। शायद उसने अपने फरार के लिए झूठ बोला हो। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, नायमे में जहर की कोई भी अलामत मौजूद नहीं है। जी वाकई, बजाहिर ठीक है वो, अल्लाह का शुक्र है। आप दुरुस्त कह रही हैं बिदार खातून, जाहिर है कि शिवनाज ये खौफनाक झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना रही होगी। सुल्ताना कहिए बेटी। वो नाइमे सुल्तान बेहोश हो गई हैं। या मेरे अल्लाह, हमारी मदद फरमा। जनाब वेम्बरी, लगता है आप बेचैन हैं। हर कोई आपकी ताकत जानता है, लेकिन मुझसे ज्यादा ताकत नहीं है आपके पास। जनाब वेम्बरी, चीजों को मुश्किल मत बनाएं। साबिका नायबीन कहाँ है बता दें। अगर आपने अब्दुल हमीद से बरतानवी फलस्तीनी कंपनी के लिए इजाजत ले ली होती तो आप उन तक पहुंच चुके होते। अब्दुल हमीद से नामुमकिन चीज का तकाजा कर रहे हैं आप। जिन्हें मुर्दा समझा गया उन्हें वापस लाया हूं मैं, ये भी नामुमकिन था। ठीक है जनाब वेम्बरी। होलो पाशा, हम अब्दुल हमीद खान साहब से मुलाकात चाहते हैं। मैं भी। वो अभी मसरूफ है, हम इंतजार कर लेते हैं। तो फिर मैं इजाजत चाहता हूं, कुछ काम है मुझे, मैं बाद में आ जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो उस्मान? खाना तैयार कर रहा हूँ। चाचा से नहीं सुना? सुना है, लेकिन हम जंग पे तो नहीं जा रहे। हमें तो बस एक रात के लिए रुकना है। तुम्हें कैसे मालूम कि सिर्फ एक रात के लिए रुकना होगा? चलो तुम दो रातें समझ लो उस्मान, फिर भी ये खाना ज्यादा है। उस्मान तुम नहीं जाओगे? क्यों चाचा? यहां रुकोगे तुम? मैं यहां क्या करूंगा चाचा? अगर सब चले जाते हैं और यहाँ कुछ होता है तो फिर हमें कौन खबर देगा उस्मान? अगर उस्मान को कुछ मालूम हुआ तब भी जना, जितनी देर में खाना तैयार होगा उतनी देर में खबर आम नहीं रहेगी। सुल्तानी मौसम, पाशा आप यहां इंतजार कीजिए। सुल्तानी मौसम, मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा, आपका हुक्म बजा।
लेकिन मैं फिर भी आपके साथ आना चाहता हूँ। नहीं पाशा, जो होना है वो होगा। सुल्तानी मौसम, मैं जानता हूँ आप निशानेबाजी में माहिर हैं। आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। मैं आपके साथ आपकी हिफाजत के लिए नहीं आना चाहता। मेरी क्या हैसियत कि मैं आपकी हिफाजत कर सकूं? तो फिर क्यों आना चाहते हैं आप? सुल्तानी मौसम, दरअसल मैं हमारी इस लड़ाई में हर कदम पर आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपका यहाँ होना भी हमारे साथ ही होना है पाशा। मैं कहना चाहता हूँ कि तारीख की किताबें आपको एक ऐसे बादशाह के तौर पर पेश करेंगी जो कभी अपने महल से तन्हा नहीं निकला। तारीख राजों को नहीं जानती। चलो भतीजो, अगर तैयार हो तो चलें। सलामत रहें चाचा। अगर कुछ मालूम हो तो हमें फौरन खबर करना उस्मान। ठीक है चाचा। अब सब कहाँ जा रहे हैं? विजीनों को तलाश कर लें। क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? शहर में नहीं रुक सकता, जंगल की तरफ गया होगा। दुरुस्त, उसने जंगल में एक जगह हासिल की है। मैं जानता हूं वो कहाँ है। क्या हमारा दर भी जानता है? हाँ। इख्तिताम में मैं या हमारा दर तुम्हें मार देंगे। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। हम सुल्तान अब्दुल मजीद खान के बेटे सुल्तान अब्दुल हमीद खान हैं। यहां हैं हम। हमने सोचा था कि आमने सामने बात करेंगे। ये तदाबीर हैं। तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? ये जानने के लिए कि आप काबिले एतबार हैं या नहीं। तो आ ही गए। मुझे आपसे कुछ खास मतलब है। वो क्या? मैं आपको साबिका नायबीन की जगह बताऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे किसी के लिए आम माफी चाहिए। किसके लिए? ये बताना भी जरूरी नहीं है। ताहम मैं जिसका भी नाम लूं, क्या आप उसे माफ कर देंगे? हमें कैसे यकीन होगा कि तुम्हारी दी गई मालूमात गलत नहीं बल्कि दुरुस्त है? मैं आपको नायबीन की जगह बताऊंगा, लेकिन अगर आपने मेरी माफी की ख्वाहिश को कबूल किया तब। बेटी, बेटी आपको क्या हुआ है? नाइमे, नाइमे खुद को संभालिए, नाइमे संभालिए खुद को। क्या त्रियाक की मालूमात हासिल कर ली आपने? कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें। वो जो चाहती हैं जब तक हासिल ना कर लें कतन नहीं बताएंगी। बेटा चलो। अगर सबका नायबीन उनके पास से मिलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि वेम्बरी साहब को इबरतनाक सजा दें। जो हुकुम सुल्तान मौसम। आप क्या करने वाली हैं बेदार खातून? इरादा क्या है आपका?
सुल्तान मौसम के हुक्म के बावजूद शिवनाज को रिहा कर देंगी?